हेलो जी नमस्ते, आप सब मस्त है। वेलकम टू द एकेत रिव्यू। आज एंटरटेनमेंट के सागर से निकाल कर हम लेकर आए हैं आपके लिए 2020 की नेटफ्लिक्स मूवी दी प्लेटफॉर्म विथ आईएमडीबी रेटिंग ऑफ 7/10। अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें हॉरर, साइफर, थ्रिलर और सर्वाइवल मूवीज बहुत पसंद है तो आपको ये मूवी जरूर पसंद आएगी। ये स्पेनिश मूवी नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ और कुछ अनऑफिशियल वेबसाइट्स पर हिंदी और इंग्लिश डब्स के साथ भी अवेलेबल है। इस मूवी में आपको काफी ब्रूटल और नेकेड सीन्स भी मिलेंगे, सो फैमिली के साथ आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। ओके, नाउ जस्ट इमेजिन आप एक जेल में हैं और जेल के कमरे में कैद हैं और उस रूम से आप कहीं जा नहीं सकते। नाउ उस रूम में सिर्फ एक प्लेटफॉर्म आता है खाने के साथ, जो ऊपर से नीचे तक खाना पहुंचाने का सिर्फ एक ही जरिया। अब इस फूड प्लेटफॉर्म की खासियत ये कि 24 घंटे में सिर्फ एक बार आता है, वो भी लिमिटेड फूड के साथ। और एक और आज के बाद बताऊं, रुकती भी सिर्फ 2 मिनटों के लिए। उन्हीं 2 मिनटों में आपको अपनी जरूरत के हिसाब से खाना खा लेना होगा, अदरवाइज ये प्लेटफॉर्म नीचे की ओर बढ़ता चला जाएगा 2-2 मिनट की हॉल्ट के साथ। यहाँ शायद कुछ लोग सोच रहे होंगे, यार 2 मिनट की बात है, हम तो अपना खाना निकाल लेंगे। ना 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 ना, अगर आपने खाना निकाल कर बचाने की कोशिश करी तो जैसे ही ये प्लेटफॉर्म आपका फ्लोर छोड़ेगा, या तो आपका रूम इतना गर्म हो जाएगा कि आप तत्काल थैया कहने लगे, या फिर इतना ठंडा कि आपके कुल्फी जम जाए। हमको जिंदा मत छोड़ो साला। अब अच्छी बात यह है कि अगर आपको ऊपर के फ्लोर्स मिले तो आपको भरपूर खाना मिलेगा अच्छी क्वांटिटी में, और आपके फेवरेट फूड्स और आइटम्स आपको अवेलेबल मिलेंगे। बट समस्या तो तब आ सकती है जब आपको इतना कोई नीचे का फ्लोर मिल जाए जहाँ तक आते आते प्लेटफॉर्म से खाना ही खत्म हो जाता है, तो आप कैसे अपने दिन गुजारेंगे। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, हर 30 दिन के बाद आपका फ्लोर शफल होता है। मतलब जहाँ आप कभी ऊपर थे हो सकता है कि आप नीचे हो, और जहाँ आप कभी नीचे थे हो सकता है कि आप वापस ऊपर हो। तो अगर आप नीचे के फ्लोर्स 30 दिन सर्वाइव कर लेते हैं तो हो सकता है कि आपको 30 दिन के बाद ऊपर के अच्छे फ्लोर्स अवेलेबल हों। बट अगर आपको हमेशा ही कैशबैक में बेटर लक नेक्स्ट टाइम मिलता है तो हो सकता है कि आपको उससे भी नीचे के फ्लोर्स मिल जाए और 30 दिनों के लिए। तब आप और क्या करेंगे। इन सब में आप कहीं ये भूले तो नहीं कि आपके साथ एक और रूम पार्टनर है जो एक भूखे भेड़िए की तरह है। जितने भूखे आप हैं उतना ही भूखा आपका रूम पार्टनर भी होगा, और भूखा शेर और भूखा आदमी दोनों ही खतरनाक होते हैं। तो ऐसे ही कुछ हालातों में फंसा है हमारा हीरो, जो खुद इस वर्टिकल सेल्फ मैनेजमेंट सेंटर में अपने पर्सनल रीजन से 6 महीने के लिए आया है। एक ऐसा आदमी जो कभी कोई गलत काम नहीं करता, जो अपने वसूलों पर भरोसा रखता है, वो ऐसी कंडीशन में क्या करेगा। क्या कोई चेंज लाने की कोशिश करेगा, क्या वो कोई मैसेज ऊपर तक पहुंचाने की कोशिश करेगा ताकि यहाँ की सिस्टम में कुछ बदलाव आ सके, और यहाँ के एक्सट्रीम कंडीशंस में क्या वो सरवाइव कर पाएगा, क्या 6 महीने के बाद सक्सेसफुली वो यहाँ से निकल पाएगा। बस कुछ इन्हीं सवालों के साथ और इन्हीं कंडीशंस के साथ ये मूवी बनी हुई है आपके लिए। इस मूवी में ह्यूमन बिहेवियर को बहुत ही बारीक तरीके से दिखाया गया है कि कैसे जब बात सर्वाइवल की आती है तो इंसान के साथ तक जा सकता है, अच्छाई और बुराई की पतली सी लकीर कैसे फीकी पड़ने लगती है। इसी के साथ हमारे सोसाइटी की अपर, मिडिल और लोअर की मेंटालिटी को भी कई हद तक दर्शाता है कि कैसे अपर क्लास को नीचे क्या चल रहा है उसका अंदाजा भी नहीं, एक्चुअल में किस तरह लोग बेसिक जरूरतों के लिए भी जद्दोजहद कर रहे हैं। और जहां कुछ लोग भरपेट मौज मना रहे हैं, वहीं कुछ लोग एक वक्त खाने के लिए तरस जाते हैं। कोई अगर नीचे से अपनी बात ऊपर पहुंचाने की कोशिश भी करता है तो ऊपर लोग उसको अनसुना करके आगे बढ़ जाते हैं। जब चीज़ें ज़रूरतों से ज़्यादा होती है तब उसकी वैल्यू किस तरह से खो देते हैं, वो हमको समझना और देखना ज़रूरी होता है। और जब कोई नीचे से ऊपर उठकर आता है तो वो भी कई बार ऐसी गलतियां दोहराने लगता है जिनके लिए उसने कभी दूसरों को भी कोसा था। वो ये भूल जाता है कि अगर वो चाहे तो वो बदलाव ला सकता है या खुद एक बदलाव बन सकता है, उस पैटर्न को तोड़ सकता है जो न जाने कितने वक्त से चली आ रही है। कुछ लोग होते भी जो इस कोशिश में न जाने कितनी बार हार देखते हैं, पर कोशिश करते रहना ही तो जिंदगी है। मुझे इस मूवी का कॉन्सेप्ट और मैसेज बहुत अच्छा लगा। एंडिंग कुछ सवाल छोड़ जाती है आपके दिलो दिमाग पर कि क्या ये पॉसिबल है और क्या हुआ आखिर। मेरा मानना है कि इस मूवी को एक ट्राई देना तो बनता है। आपको कैसी लगी ये मूवी कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।